Hello everyone, my name is Ridham Kohli and I'm a psychologist at Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम बात करने जा रहे C's के बारे में, कुछ C's addiction के और कुछ C's recovery के. Addiction में हम देखते हैं कि C's का एक चक्कर व्यू चलता है जो कि स्टार्ट होता है क्रेविंग से. हमारे अंदर एक थॉट आता है कि मैं उस सब्सटेंस को ले लूं, क्योंकि हमारी उस चीज के साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन जुड़ी होती है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स कि हमारे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट हम एक कंपल्सरी एक्शन में पड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं कंपल्शन. जब ये कंपल्शन हमारी एक बारी शुरू हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कंट्रोल. हमारा अपने ऊपर से ही कंट्रोल खो जाता है. हम सोच के आते हैं कि क्रेविंग आ रही है तो मैं एक पैग ले लूँगा, बट इवेंचुअली इट लीड्स टू द होल बॉटल, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या मिलता है, वही सेम अनमैनेजेबिलिटी. हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ के लिए भी अनमैनेजेबिलिटी शो कर लेते हैं. दैट इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. अब इस 4 C's को हम रिकवरी के 4 C's से रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज नंबर 1, कम्युनिकेशन. जब आपके अंदर एडिक्शन की क्रेविंग आ रही है तो आप उस चीज को रिकवरी के थ्रू कम्युनिकेट करें, उसको बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है. जब आप बताएंगे तो उसमें से एक सरेंडर आएगा आपका, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने रिकवरी प्रोग्राम के साथ अपने कमिटमेंट रखने का एंड इवेंचुअली आपका, आपके परिवार का, आपके काउंसलर का, सभी का एक कनेक्शन और बनेगा. जब ये कनेक्शन और ज्यादा बनेगा, आपका कंप्लायंस आएगा. कंप्लायंस यानी कि आपकी और निर्भरता आएगी, जिस वजह से रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक विलिंगनेस को बढ़ाएगी. सो रिकवरी के सीज से हम अपनी लाइफ को और ज्यादा मैनेजेबल बना सकते हैं. तो आज के दिन चूज योर सी.